हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो आई होप यू आल आर वेल एंड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन मस्ट बी गोइंग वेल ऑल्सो सो इन दिस वीडियो वी विल गोन आर डिस्कस अबाउट अ न्यू फैमिली दैट इज़ फैमिली नंबर थ्री द ब्रेसिकसी फैमिली इन द लास्ट प्रीवियस वीडियोज आप लोगों को मैंने बैंथमेन हुकर पढ़ा दिया है पेपावरेसी पढ़ा दी है टर्मिनोलॉजी पूरा मक्खन क्लियर एकदम हलवा क्लियर किया हुआ है एज वेल एज हमने पेपावरेसी भी आपको पढ़ा दिया है अब हम पढ़ेंगे फैमिली नंबर थ्री ब्रेसिकेसी फैमिली इसके बाद आएगी कैप्रेडेसी फैमिली वैंतामैन हुकर क्लासिफिकेशन जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको फैमिली की लिस्ट दी थी ठीक है अगर कोई फैमिली वहाँ पर आपके सिलेबस से छूट गई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए मैं उसे भी पढ़ाने की कोशिश करूंगी ठीक है तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर एक बार विजिट करिए बहुत सारी वीडियोज़ आपका वेट करी हैं जो कि बेनिफिशियल हैं आप लोग के लिए और आपके एग्जामिनेशन को हलवा क्लियर करने में बहुत हेल्प करेंगी आपकी ठीक है तो जाइए विजिट करिए और हाँ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है एंड प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एकदम मोटिवेशन नहीं मिल रहा है ठीक है आप लोग एकदम नहीं सपोर्ट दिखा रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लेट्स मूव ऑन द वीडियो एंड या इफ़ यू वॉन्ट हैंड रिट नोट्स ऑफ माई सो यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो बट यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेकर के भी आप नोट्स बना सकते हो तो रहन दो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है uh, लेकिन नोट्स जरूर बनाना ओके नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो तो इस फैमिली को बोलते हैं मस्टर्ड फैमिली या फिर कैबेज फैमिली मस्टर्ड फ़ैमिली क्यों बोलते हैं भाई क्योंकि इसमें आपको बहुत ही सारे वैरायटी के क्या मिल जाएंगे मस्टर्ड जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं मस्टर्ड मिल जाएंगे जिन्हें हम बोलते हैं सरसों क्या बोलते हैं सरसों अपनी हिंदी की लैंग्वेज में ओके okay, तो आपको इसमें बहुत सारे सरसों मिलेंगे और फिर इसमें आपको बहुत तरीके मीन बहुत सारे वेराइटीज़ के आपको कैबेज मिलेंगे कैबेज इन द सेंस आपको कॉलीफ्लावर बंद गोभी खोल खोल ये सब चीज़ें आपको ना इस इस फैमिली में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी तो इसीलिए जो मेन कैरेक्टर बताया जाता है इस फैमिली का उसको मस्टर्ड और कैबेज बताया जाता है तो इन्हीं के नाम पर मस्टर्ड और कैबेज फैमिली नेमिंग कर दी गई है ठीक है इससे पहले जो हम लोगों ने रनन क्यूलेसी और पपावरीसी पढ़ा है उसमें हम लोगों ने देखा कि रेनन क्यूलेसी का ऑर्डर क्या था आपका रेनेस और पेपावरेसी का पैराइटिल्स एज वेल एज well ब्रेसिकेसी एंड कैप्रेडेसी इन तीनों के ही जो ऑर्डर होंगे इट विल बी वॉट पैराइटल्स ठीक है तो आपको ये पता है कि पेराइटेल क्या आपको ये पता है कि जो भी पेराइटेल प्लासेंटेशन होता है उसमें जो आपकी ओवरी होती है वो कैसी होती है ओवरी आपकी होती है वेटामिनट यूनिलोक्यूलर कैसी होती है यूनिलोक्यूलर तो यूनिलॉक्यूलर वाली कंडीशन आपको कैप्टेड एसी में भी देखने को मिलेगी और पेपावर एसी में भी बट हम अगर बात करेंगे ब्रेसिकेसी की तो यही इसका मेन कैरेक्टर है कि ब्रेसिकेसी में आपको जो ओवरी होगी ना वो कैसी दिखेगी बाइलॉक्यूलर कैसी दिखेगी बाइलॉक्युलर जो कि इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है क्यों दिखेगी वो आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ठीक है तो लेट्स मूव ऑन द क्लासिफिकेशन फर्स्ट तो देखो ब्रेसिकेसी फैमिली की क्लास होती है डाई डाईकोटिलिडोनी है तो एज यू नो कि डाई के जितने भी लीफ होते हैं दे शो रेटिकुलेटवी नेशन एज वेल एज देयर रूट सिस्टम इज टैप रूट सिस्टम एंड द फ्लावर इज ऑफ पेंटामेरिस एंड टेट्रामेरिस चार या फिर पाँच ठीक है पॉलीपिटाली की बात करें भाई तो हमारे जो पेटल्स होते हैं दे आर फ्री ओके एकदम फ्री कोई चिपका चिपकी नहीं एकदम फ्री रहते हैं थैलमी फ्लोरी की बात करें तो जो आपकी फ्लावर होंगे ना दे आर हाइपोगाइनस एंड बिकॉज दे आर हाइपोगाइनस द ओवरी सुपीरियर मीन्स ओवरी सुपीरियर है तो फ्लावर हाइपोगाइनस है ठीक है हाइपोगाइनस और ओवरी सुपीरियर आपको क्या पता है मतलब ओवरी अगर सुपीरियर होती है तो एक्चुअली में जब एक ओवरी सुपीरियर होती है तो जो अलग पार्ट होते हैं पेटल सेपल ये सब ये उनसे क्या होते हैं नीचे होते हैं ठीक है अदर फ्लोरल पार्ट क्या होते हैं नीचे होते हैं ओके ऑर्डर क्या है पैराइटेल एज आई सेट कि पैराइटेल में आपको दिखता है यूनिलोक्युलर ओवरी ठीक है जब भी पेराइटियल प्लाजेंटेशन होगा तो आपको दिखेगा यूनिलॉक्यूलर ओवरी बट यहां पर आपको दिखेंगे बाईल यहाँ पर क्या दिखेगा बाईलर क्यों दिखेगा आगे हम आपको बताएंगे ओके ये था क्लासिफिकेशन के बारे में हैबिटेट की बात करें कि क्या है भाई डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पहले तो देखो सबसे पहले जान लो कि कुछ जेनराज हैं इनके आ, देखो सबसे पहले ये देखो 376 सेवनटी पूरे आपको ना अगर वर्ल्ड की मैं बात करती हूँ तो इसमें 376 सेवेंटी पाए जाते हैं और थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड स्पीसीज पाई जाती हैं ठीक है, है? कहाँ तो नॉर्थ टेम्परेट जोन में हमारे पर्सनली इंडिया की बात करें तो फिफ्टी वन जेनरा पाए जाएंगे और वन थर्टी एट स्पीसीज पाई जाएंगी तो टेम्परेट रीजन में पाया जा सकता है हिमालयाज़ एल्पाइन इस साइड में पाया जा सकता है ठीक है कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट जेनरा जो हैं वो देख लो फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊँगी जो आपको एकदम का एकदम याद ही करना है तो सबसे पहले देखो यूरिका शेरियंथस डेंड्रोमिकॉन एरेबिस लेपीडियम एलिसम ये है आपके इम्पॉर्टेंट बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है ब्रेसिका रेफेनस आइब्रिस आइब्रिस अमारा दिस इज आइब्रिस अमारा जो कि ऑर्नामेंटली बहुत अच्छा होता है अगर आप डीडीओ यूनिवर्सिटी में हो तो अगर आप बोटेनिकल गार्डन जाओगे तो आपको मैक्सिमम फ्लावर्स जो मैं यहाँ पढ़ाती हूँ ना दिख जाएंगे ठीक है तो अगर आप हो यूनिवर्सिटीज़ में या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में हो तो आप अपने बोटनिकल गार्डन में घूमने की एक बार कोशिश करो और वहाँ पर आपको बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे ठीक है आइवरिस हमारा इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल मतलब ब्यूटीफुल फ्लावर होता है जो कि लोग ऑर्नामेंटली की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखता है ओके हैबिट की बात करें तो दे आर लाइक हर्ब एंड अंडर मतलब अंडर का क्या कहना है भाई कि बहुत ही ज़्यादा बड़े नहीं जैसे मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ हर्ब छोटा सा फिर श्रब एंड दिस इज ट्री तो अंडर श्रब मतलब कि अंडर श्रब मतलब कि एकदम श्रब भी नहीं दिखेगा थोड़ा ठीक है हर्ब से थोड़ा सा बड़ा ठीक है ऐसा इनका अपियरेंस होता है हैबिट हैबिटेट की बात करें तो दे आर टेरेस्ट्रियल फाउंड ऑन लैंड ओके और लाइफ स्पेन की बात करें तो एनुअल ठीक है बाइनियल एंड पेरिनियल अब ये सारे टर्म्स मैंने ना टर्मिनोलॉजी में पढ़ाया हुआ है तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर के देखिए ठीक है एनुअल बाइनियल पेरिनियल ये सब आपको वहाँ पर क्या हो जाएगा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये है ब्रेसिका कम्पेस्ट्रीज क्या है ब्रेसिका कम्पेस्ट्रीज दिस इज फ्लावरिंग क्या हो रही है भाई यहाँ पर यहाँ पर हो रही है फ्लावरिंग ये एक पूरा फ्लावरिंग प्लांट है ठीक है ये है फ्लावर देन दिस इज लीव This is stem and this is what seed और यही है जहाँ पे ना आपका रेप्लम दिखेगा मैं अभी बताऊँगी आपको रेप्लम क्या है ठीक है जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक है हमारे ब्रस्सी फैमिली का ठीक है उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हम देखते हैं रूट की तो टैप रूट होता है सबसे पहले ये जान लो फिर सोलिन होता है थोड़ा सा फूला हुआ दिखाई देगा क्योंकि उसमें फूड मटेरियल भरे होते हैं और जैसे कि आप रेडिश देखते हो वो कोनिकल तरीके का होता है या फिर टर्निप देखते हो वो वो फ्यूसीफॉर्म तरीके का होता है आ, मतलब रेडिश कुछ ऐसा होता है ना ऐसा ऐसा और अगर आप टर्निप देखोगे तो वो ऐसा तो ये सब स्वेलन टाइप के होते हैं क्यों क्योंकि इसमें फ़ूड मटेरियल्स भरे होते हैं स्टेम देखेंगे तो दे आर हर्बेशियस खाने योग्य होते हैं वही कुछ एनिमल्स खा सकते हैं इरेक्ट मतलब एकदम सीधे होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं ठीक है ऐसे सिलेंड्रिकल गोल होंगे सिलेंड्रिकल ठीक है फिर रेयरली वुडी बहुत कम ही वुडी होते हैं क्योंकि दे आर हर्बेशियस से बहुत ज़्यादा वुडी नहीं होते हैं ये और कुछ रेड्यूस हेयर भी पाए जाते हैं इनके ऐसे स्टेम तो बहुत छोटे छोटे ठीक है जैसे मान लो कि दिस इज स्टेम मान लो दिस स्टेम्स तो ऐसे छोटे 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 ना ऐसे हेयर भी पाए जाएंगे इनमें ठीक है देआर सॉलिड और ब्रांच्ड भी ये होते हैं इनकी स्टेम्प्स की बात हो गई लिव्स की बात करें तो लिव्स जो होते हैं वो एक्स स्टिप्यूलेट होते हैं मतलब स्टीप्यूल प्रेजेंट होगा सिंपल होते हैं एंटायर पिनेट होते हैं रेडिकल होते हैं कॉल इन द फॉर्मर फॉर्म रोजेट रोजेट का देखो रोजेट अपियरेंस जैसे मैंने आईब्रिस हमारा में आपको दिखाया था लटमी uh, गो इन द अपर स्लाइड देखो ये है ना ये देखो एक रोजेट ये पूरा ऐसे गुच्छा नुमा एक बना लेते हैं अपियरेंस इसी को बोलते हैं रोजेट फॉर्मेशन कर लिया है इन लोगों ने ठीक है तो इसी तरीके से रोजेट फॉर्मेशन दिखाई देता है और फिर क्या बात है भाई कि अल्टरनेट और रेयरली अपोजिट अल्टरनेट और अपोजिट की क्या बात है अगर मान लो ये स्टेम है तो जो हमारी लीव्स होंगी वो अगर, अगर अल्टरनेट की बात करें तो दिस वन ये अरेंजमेंट होगी अगर अपोजिट की बात करें तो आपकी ऐसी लीव क्या होंगी होंगी ठीक है ये समझ में आया लीफ आपको समझ में आ गई उसके बाद इनफ्लोरसेंस की बात करें तो रेसिमोज होगा या फिर आईव्रिज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसमें कॉरिम्ब पाया जाता है ठीक है और सोलेट्री ये नहीं पढ़ना है सोलेट्री फ्लावर नहीं पढ़ना है आपको रेसिम और कॉरिम्ब आपको याद रखना है ठीक है उसके बाद फ्लावर की बात करें तो फ्लावर हर्मा होता है हर्मा मतलब आपको पता है कि जब मेल एंड फीमेल बोथ आर ऑन द सेम प्लान तो हम अप्रोडाइट प्रोडक्ट की काटने पे आपको अच्छे से सिमेट्री मिल जाए और जेगोमोफिक आपको आइब्रिस में दिखेगा एक्सेप्शन यहाँ पर आईब्रिस ही है तो आईब्रिस में आपको हर चीज़ें अलग दिखाई देंगी टेट्रामेरस होता है हाइपोगाइनस एज आई सेट की ओवरी सुपीरियर होती है कंप्लीट मतलब कैलिक कोरोला एंडोशियम गाइनोशियम सब एक ही में पाए जाएंगे एंड साइक्लिक मतलब कि टू मतलब होल्स प्रेजेंट होंगे उसमें ठीक है होल्स क्या होंगे प्रेजेंट होंगे फ्लावर की बात हो गई कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स में देखो सेपल फोर होते हैं फ्री होते हैं कैड्यूकस होता है एक तो भाई सबसे पहले कि सेपल कितने होंगे चार सेपल होंगे और चारों के चारे फ्री होंगे ऐसे ना वो नहीं होंगे फ्यूज़ नहीं होंगे तो आप पॉलिस से, से भी उसको बोल सकते हो और कैड्यूकस मतलब होता है कि जब फर्टिलाइजेशन से पहले ही जो सेपल होता है वो झड़ जाता है वो नीचे गिर जाता है तो उसे हम बोल देते हैं कि ये कैडुकस सेपल है मतलब कैडुकस है और मान लो कि सेपल क्या होता है बाद में जा कर के झड़े फर्टिलाइजेशन के बाद तो फिर उसको बोलते हैं डेसीटीएस ओके चार है ना चार सेपल हैं तो जो आउटर की दो होंगी ठीक है वो लार्ज होंगी और सेकेट होंगी और जो इनर की जो सेपल्स दो होंगी वो नैरोवर होंगी समझ में आया एस्टिवेशन कैसा हुआ इम्ब्रिकेट अब मान लो मैंने दो फैमिलीज़ के पिछली वाली फैमिलीज में भी मैंने एस्टिवेशन पढ़ाया वहाँ पे भी आपने इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखा बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक कि आपका एस्टिवेशन नहीं पता है कि क्या होता है तो आज मैं आपको एस्टिवेशन थोड़ा सा बताऊंगी ठीक है कोरोला क्या है भाई कोरोला में भी पेटल आपके फोर होंगे डिस्टेंस होंगे कृषि फॉर्म पाया जाएगा पेटल्स मान लो एक एक इसका जेनेरा है कोरोना ठीक है तो कोरोना में आपके पेटल्स क्या होंगे एबसेंट होंगे वरना सभी में पेटल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं तो सेपल भी चार होते हैं एंड पेटल भी चार होते हैं ठीक है उसके बाद देखो यहाँ एस्टिवेशन देख लो भाई तो जब पेटल की अरेंजमेंट ऐसी होती है सॉरी सेपल की या फिर पेटल की अरेंजमेंट ऐसी होगी तो उसको वेलवेट कहेंगे ट्विस्टेड मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग हो जाती है ठीक है ऐसे ओवरलैपिंग होती है ठीक और क्या कहते हैं इम्ब्रीकेट में दो मतलब ए, एक ऐसे है ना तो इधर से भी ओवरलैपिंग इधर से भी ओवरलैपिंग ऐसे ओवरलैपिंग होती है तो इसको इम्ब्रिकेट बोलते हैं और वैगजिलरी आप ऐसा कुछ देख रहे हो तो यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑल्सो अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो ये बहुत अच्छा है इसको आप स्क्रीन शॉट करके भी रख सकते हो ठीक है ये आपको समझ में आया कि अभी तक आपने जितनी फैमिली पढ़ी है सब में तीन तीन फैमिली है ना इसको लेकर के तो इम्ब्रीकेट एस्टिवेशन आपको दिखा है ठीक है उसके बाद हम एंडोशियम की बात करें तो स्टेमिन उसमें सिक्स होते हैं छः स्टेमिन होंगे ठीक है टू प्लस फोर के होल में पाए जाएंगे और टेक्ट्राडाइनोमस होंगे क्योंकि टू प्लस फोर में पाए जा रहे हैं पॉली एंड्रस होता है एंट्रदाइथिकस होता है, है बेसी फिक्सड होता है और इंट्रोज होता है अभी तक हमने पैपावरेसी में और अनक्यलोसी में एक्सट्रोज देखा था ठीक है गाइनोशियम की बात करें तो कार्पेल टू होगा इसीलिए इसको बाई कार्पलरी भी बोलते हैं सिन कार्पस मतलब फ्यूज्ड होगा ओवरी सुपीरियर होगी यूनिलाक्यूलर होगी लेकिन यूनिलॉक्युलर होगी बट यहाँ पर फॉल सेप्टम मतलब कि रेप्लम बनने की वजह से जो ओवरी होती है वो बाइलॉक्युलर हो जाती है ठीक है क्या हो जाती है बाईलॉक्यूलर हो जाती है और उसी की बात हम करेंगे इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक रेप्लम है तो अभी मैं अच्छे से रैप्लम आपको बताऊंगी ठीक है फ्रूट की बात करें तो फ्रूट सिलीक्या होता है जो आप ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिक का फूड देखते हो वो आपका सिल्किया होता है अभी दिखाती हूँ वो भी और सिलिक्यूल आपके एलाइसम और आइब्रिस में पाया जाता है ठीक है तो आइब्रिस में सिलीक्यूला और ब्रेसिका में सिलिकुआ ठीक है सीड की बात करें तो दे आर स्मॉल ऑयली नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं अभी तक रैनन क्यूलेसी और पापावेरेसी में हमने इंडोस्पर्मिक देखा है बट ब्रेसिकेसी में नॉन इंडोस्पर्मिक है यूजुअली कर्व इम्रो पाया जाता है और कॉटिलिडोनी इनकी ऑयली होती है एंड बिकॉज द सीड्स आर ऑयली सो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किसमें होता है जो हम लोग ऑयल खाते पीते हैं ना मतलब उसमें होता है जो हम ऑयल यूज़ करते हैं पॉलिनेशन जो होता है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है या खुद भी हो सकता है अपने आप भी हो सकता है और सेकेंडली ये कि जो इनका सीड जो सीड फैलती हैं इन्वामेंट में वो भाई बर्ड्स भी फैला सकती हैं कैटल्स भी फैला सकते हैं विंड भी एंड वाटर भी इन सब के द्वारा से सीड डिस्पर्जन भी होता है ओके ये है आपका फ्लोरल डायग्राम ऑफ आइब्रिस अमारा एज वेल एज द फ्लोरल फार्म्यूला ठीक है तो आइब्रिस अमारा इसका इंपॉर्टेंट है और ब्रेसिका कंपेस्टिस तो मैंने दोनों का ही फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला यहाँ पे लिया हुआ है आपको जो इजी लगेगा आप वो बना लेना ठीक है तो देखो सबसे पहले ई ब्रेक्टिएट है क्या आपको कहीं ऐसा ई ब्र नज़र आ रहा है नहीं नहीं नज़र आ रहा है ना तो क्या हो गया ये कि ये है आपका ई ब्रैक्टिट एक्टिनोमोफिक है ठीक है एक्टिनोमोफिक है उसके बाद ये क्या है हमा है मेल एंड फीमेल आर बोथ इन वन प्लांट कैलिक्स टू और प्लस टू है कैलिक्स क्या है भाई टू प्लस टू दिस वन इज वन एंड दिस वन इज टू ठीक है तो ऐसे याद कर सकते हो या फिर दिस वन इज़ वन एंड दिस वन इज़ टू ठीक है तो टू तो प्लस टू का ये आपको समझ में आ गया उसके बाद कोरोला टू प्लस टू है देखो दिस वन इज़ टू तो मैंने बताया था कि दो जो होंगे वो सेकेट होंगे और दो जो होंगे वो नैरोवर होंगे मैंने बताया था ऐसा तो ये जरूर याद रखना एंडोशियम जो होगा वो टू प्लस फोर आपको नजर आएगा ऐसे दो इधर और ये चार इधर तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेट्राडाइनोमस क्या बोलेंगे ऐसे टेट्राडाइनोमस कंडीशन और गाइनोशियम आपका देखो जी ऐसे है ना तो ओवरी क्या है सुपीरियर है ओके ओवरी सुपीरियर है और देखो यहाँ पर बना है आपका रेप्लम रेपलम की वजह से ये ओवरी आपकी हो गई क्या बाइलोकुलर वरना ये होती ऐसे सिंगुलर ठीक है ये होती है ऐसे यूनिलॉक्युलर बट बिकॉज ऑफ द वर्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम दैट इज कॉल्ड रेपलम ठीक है रेपलम की वजह से ये हो गई है ऐसे बाइलॉक्युलर समझ में आया उसके बाद देखो ब्रेसिका कम्पेस्टिस ब्रेसिका कम्पेस्टिस में भी सेम है भाई ई है कोई ब्रैक्ट आपको नहीं नजर आ रहा है एक्टिनोमोसिक है हमाप्रोडाइट है कैलिक्स टू प्लस टू का आपको शो करेगा दिस वन दिस वन उसके बाद कोरोला फोर होंगे आपके देखो ऐसे फोर होंगे उसके बाद एंडोशियम टू प्लस फोर अगेन टू प्लस फोर टेटा कंडीशन गाइनोशियम जो होगा उसमें ओवरी सुपीरियर होगी एंड ये सिम कार्पस होंगे एंड दे आर बाइलोक्यूलर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम ओके अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में तो देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले आपका आता है वेजिटेबल के रूप में बहुत ज्यादा यूज होते हैं जो आप मूली खाते हो जिसको रेडिश बोलते हैं इंग्लिश में उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं रेफेनस सताइवस ठीक है टर्निप खाते हो जिसको सलजम बोलते हैं ब्रेसिका रेपा मस्टर्ड सरसो जो कि आपके आपके सब्जियों में भी पड़ता है फिर तेल उससे निकलते हैं ठीक है तो ब्रेसिका कंपेस्ट्रेज फिर खोल कोल ये अलग एक है एक इधर नहीं इंडिया की साइड में आई डोंट थिंक कि हमारे साइड में उत्तर प्रदेश की साइड में ये खोल खोल नहीं मिलता है और कहीं ये आई थिंक मिलता होगा तो ब्रेसिका ओलेरिकी आप पढ़ लेना ये सब ठीक है फिर कॉलीफ्लावर जो है बॉटराइटर्स और फिर कैबेज कैपिटाटा और ये पता नहीं कौन सा है ठीक है तो ये सारे गोभी फूल गोभी ये सब आप समझ रहे हो तो ये सभी के सभी किस फैमिली में आते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली में फिर ऑयल के टर्म पे क्या यूज़ होते हैं भाई ब्रेसिका कंपेस्ट्री जिसको सरसों बोलते हैं ब्रेसिका जूंसिया जिसको राई बोलते हैं ब्रेसिका नाइग्रा जिसको काली सरसों बोलते हैं ब्रेसिका नेपस टोरिया, ब्रेसिका एल्वा सफ़ेद सरसों यूरिका सताइवट टर्मराइट तो इन सब से क्या निकलते हैं भाई इन सब से निकलते हैं आपके ऑयल जो कि हम हाय दिन मतलब हर दिन मतलब इसका यूज़ करते हैं क्या आप सरसों के तेल के बिना कोई खाना मतलब आप सोच सकते हो हर दिन यूज़ होता है तो इकोनॉमिकली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आ, ये जो फैमिली होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑर्नामेंटल के उस पर देखें तो आईब्रिश देखो भाई मैंने पहले ही बताया बहुत ही ज़्यादा ना ये सुंदर होता है आई ब्रिश ठीक है उसके बाद एलिशम चैरी अंथस एरेबिज फिर मैथियोला ये सभी के सभी ऑर्नामेंटल के तरह पे यूज़ आते हैं स्पेशल कैरेक्टर की बात करें इसी के लिए मैं वेट करी थी स्पेशल कैरेक्टर क्या है इस फैमिली का कि फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम आपको दिखेगा क्या दिखेगा फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम जिसको कि रेप्लम कहते हैं रेप्लम क्या होता है द फ्रेमवर्क ऑफ सम पॉड एज द क्रेश विच रिमेंस आफ्टर द वॉल्व ड्रॉप ऑफ ठीक है नहीं समझ में आया ठीक है देखो ये है आपका ब्रेसिका कंपेस्टिज ठीक है ब्रेसिका का आपका क्या है एक फ्रूट है ठीक है तो ये हो गई आपकी वॉल्व दिस इज वॉल्व जो कि कार्पेल है ठीक है ये आपके बीच का सेप्टम है जो कि फॉल्स सेप्टम से है और उसमें सीड है ये जो छोटे छोटे हैं ये सीड है एंड दिस इज वॉट फॉल सेप्टम ये क्या है ये फॉल्स सेप्टम है फॉल सेप्टम है ओके okay? अब देखो ये फिगर आप देखो ये आपको हो सकता है थोड़ा और अच्छे से समझ में आए मैंने बताया था यूनिलाक्यूलर मैंने बताया ना यूनीक्युलर किस में चेंज हो जाता है बाईलॉक्यूलर में बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम होता क्या है कि ये देखो ये सीड है यूनी में ये सीड है ये जो आपका है ये सेप्टम है एंड अगेन दिस इज द सीड दिस इज ग्रीन वाला पार्ट इज द वॉल्व एंड रेप्लम जो है वो इस पार्ट को कहते हैं यहाँ पर ये रेप्लम है एक छोटा सा कैन आई ड्रॉ इट विद ब्लैक कलर देखो ये है रेप्लम यहाँ पर और यहाँ पर भी है रेप्लम होता क्या है देखो ये जो है ना दिस वन इज रेप्लम तो होगा क्या कि आपका जो वॉल्व होंगी जो आपके वॉल्व है ना वो क्या हो जाएंगी ऐसे सेपरेट हो जाएंगी एक इधर एक इधर और रेप्लम के पास लिग्निफाइड सेल होते हैं क्या होते हैं लिग्निफाइड सेल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं वॉल्व को सेपरेट करने में एक वहाँ पर सेपरेटर लेयर बन जाती है एक वॉल्व मार्जिन बन जाता है और फिर वहीं से एक सेपरेशन हो जाता है और उसी रेप्लम से क्या निकल जाता है सेप्टम और दो मतलब एक यूनिलोक्युलर हमारा बाइलॉक्यूलर में क्या हो जाता है हमारे एक दो ये बाइलॉक्यूलर में चेंज हो जाता है तो ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक इसी कैरेक्टरिस्टिक से आप पहचानोगे कि कोई भी जो प्लांट है वो ब्रेसिकेसी फैमिली का है मतलब और सारे तो ठीक है बट फॉल सेप्टम इज द स्पेशल कैरेक्टर जो कि आपको ब्रेसिकेसी फैमिली में दिखेगा ठीक है तो अब तो आपको क्लासिफिकेशन से ही याद हो जाएंगे अगर आपने बैंथ में नुखर याद कर लिया है तो सब कुछ आपको क्लासिफिकेशन से ही याद हो जाएगा लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर एम सी क्यू एज वेल एज थ्योरी एज वेल एज आपके वाइबा या फिर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इसीलिए मैं बताती हूँ सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को शेयर करिए और भी लोगों की हेल्प करिए। बाय टेक केयर, बी हैप्पी रहिए, दिल का है जो हाल क्या